हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सबका फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि इसका टेस्ट है ही इतना कमाल का। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। ऐसे टेस्टी स्पंजी ब्लैक फॉरेस्ट केक को हम बनाएंगे आज। तो ऐसे टेस्टी केक बनाने के लिए आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहो तो मैदा ले सकते हैं। उसके अलावा 1 कप शक्कर, आधा कप तेल है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, हल्का सा नमक है और एसेंस है। एसेंस आप अपने चॉइस अकॉर्डिंग लेना। और मैंने इस्तेमाल किया है पानी। अब मैं सारी चीज़ का मेजरिंग आपको बताऊंगी। मैंने 1 कप पीसी हुई शक्कर ली है और आधा कप मैंने तेल लिया है। अब मैं इनको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तब तक जब तक कि शक्कर थोड़ा सा पिघल ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको एकदम अच्छे से फेंटना है। अब मैंने लिया एक छन्नी। जिस कप से मैंने पीसी हुई शक्कर ली है उस कप से मैं 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। मतलब मैं 2 कप के अकॉर्डिंग केक बना रही हूँ। मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप पीसी हुई शक्कर ली है और आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल की जगह आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून है, जो छोटा वाला स्पून होता है उससे। और ये है बेकिंग सोडा, ये है 1 टीस्पून। अब मैं डाल रही हूँ 2 पिंच जितना नमक डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, जो बड़ा टेबल स्पून होता है उससे, ये 2 टेबल स्पून है। अब मैं इसको अच्छे से छान रही हूँ। छान के इसमें मैंने 4-5 बूंदे वेनिला एसेंस के डाले हैं। आपको जो भी एसेंस पसंद है आप वो वाला फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने स्पैचुला लिया है। स्पैचुला लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसका इस्तेमाल करना। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑलमोस्ट पूरा 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब ये बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डाल के मैं एक बार इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसको साइड में रख के जिसमें हमें केक बनाना है उसको हम लोग ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये केक टिन है जिसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डायरेक्ट बटर पेपर डाल दिया। अगर आप एल्यूमिनियम वाले में कर रहे हो तो पहले उसको ग्रीस कर लेना, फिर उसके बाद मैदे से थोड़ा डस्टिंग कर लेना और केक वाला बैटर उसमें डालना। डाल के मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में थोड़ा सा रेत डाल के गर्म होने रख दिया था। आप रेत की जगह नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने पूरा बैटर डाल दिया, इसको हल्का सा टैप कर दिया है। अब हम देखते हैं रेत को, मतलब ये कढ़ाई को। ये रेत अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैंने डाला है 1 स्टैंड। अब मैं इसमें डालूँगी केक का बैटर वाला बर्तन। डाल के ढक के इसको मैं 40 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। 40 मिनट बाद चेक करना। अगर आपका केक नहीं पका है तो थोड़ी देर और पकने के लिए रख देना। 40 मिनट में मेरा केक बनके रेडी है। अगर आप माइक्रोवेव में बनाओगे तो 180 डिग्री पे प्रीहीट करके 30 या 35 मिनट तक के पकने के लिए रख देना, या तब तक जब तक कि नहीं पकता है। केक बनके रेडी है, मैंने उसे रखा है साइड में। अब हम बनाते हैं व्हिपिंग क्रीम। उसके लिए मैंने लिया है क्रीम 1 कप। अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से बीट कर रही हूँ। यहाँ पे ये केक आइसिंग करने के लिए स्पेशली व्हिपिंग क्रीम आता है, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और हमें हैंड ब्लेंडर से ही इसको बीट करना है, विस्कर से उतने अच्छे से नहीं होता है। अब मैंने वेनिला एसेंस की कुछ बूंदे डाले हैं। डाल के इसको मैं और अच्छे से बीट कर रही हूँ। इसको मैंने लगातार 3 मिनट तक ये बीट किया। 3 मिनट में केक एकदम अच्छे से बीट होके रेडी है। आप देख सकते हैं मैं स्पून को पलटी कर रही हूँ तभी भी ये नहीं गिर रहा है। आप एक बार बर्तन को इस तरह पलट के देखना, अगर नहीं गिर रहा है मतलब आपका व्हिपिंग क्रीम बन के रेडी है। अब मैं बना रही हूँ शुगर सिरप। मैंने पीसी हुई शक्कर ली है अराउंड 3 स्पून। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाला है पानी। इसको मिक्स करके अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब हम देखते हैं हमारा केक, केक अच्छे से ठंडा हो गया है। मैं इसको निकाल रही हूँ केक टिन में से। केक टिन में से निकाल के अब हम लोग इसके लेयर्स कट करेंगे। आप देख सकते हैं केक एकदम अच्छे से फुला हुआ है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। निकाल के इसके मैं 3 लेयर्स निकालूंगी। मैं बटर पेपर भी निकाल दे रही हूँ। अब चाकू से पहले हम लोग निशान लगा लेते हैं। पहले ऊपर का मैं ये जो थोड़ा सा दरदरा है इसको मैं काट के निकाल रही हूँ। आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो, बट आइसिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से हल्का सा ये जो दरदरा सा है उसको मैं काट के निकाल रही हूँ। निकाल के अब मैं इसकी 3 लेयर्स करूँगी। 3 लेयर्स के लिए पहले आप निशान लगा लेना। इस तरीके से मैं एक यहाँ पर लगा रही हूँ, एक यहाँ पर लगा के अब मैं इसको काट लूँगी। काट के उसके बाद हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप और आइसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा फर्स्ट लेयर कट हो गया, मैं इसको रख रही हूँ साइड में। इसी तरीके से अब मैं सेकंड लेयर भी कट करके रख लूँगी।
सारे लेयर कट हो गए, अब मैं इनको रख रही हूँ साइड में। अब हम करते हैं आइसिंग। अब मैंने लिया है ये वाला एक पुट्ठा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप चाहो तो थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा आइसिंग क्रीम रखा है, उसके बाद इसके ऊपर मैं केक का फर्स्ट जो सबसे नीचे वाला लेयर था उसको रख रही हूँ। रख के उसके ऊपर शुगर सिरप डाल रही हूँ। शुगर सिरप में आप चाहो तो थोड़ा सा चेरी मिक्स करके भी बॉईल कर सकते हो, वो भी फ्लेवर बहुत अच्छे से लगता है। अब मैंने शुगर सिरप से पूरे केक को अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लिया है। व्हिपिंग क्रीम लेकर अब मैं इसको पूरा अच्छे से कवर कर रही हूँ। कवर करके उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी केक का ऊपर वाला लेयर जिसको हमने काट के निकाला था। हम लोग बीच वाला अभी नहीं रखेंगे, पहले ऊपर वाला रखेंगे इस तरीके से पलट के। ऐसा रखने से केक को आइसिंग करने में ईजी भी होगा और जो शेप है अच्छे से आएगा, इवनली रहेगा। अब इसको भी मैं शुगर सिरप से अच्छे से कवर कर रही हूँ। कवर करके इसके ऊपर मैं डालूँगी व्हिपिंग क्रीम डाल के कवर करके, फिर मैं लास्ट वाला मतलब जो बीच में से हमने निकाला था उसको डाल के फिर मैं व्हिपिंग क्रीम से कवर करूँगी। ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ज़्यादा यम्मी रहता है। स्पेशली ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है, मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था उनको ये केक चाहिए, तो मैं स्पेशली उनके लिए ये बना रही हूँ। अगर आप भी मैं से कोई रेसिपी चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। अब मैं सबसे लास्ट वाले लेयर को भी शुगर सिरप से अच्छे से कवर कर रही हूँ। कवर करके अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम डाल के इसको कवर करके उसके बाद मैं एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा क्रीम भर के पूरे केक को अच्छे से कवर करूँगी। पाइपिंग बैग में क्रीम भर के करने से मतलब जो व्हिपिंग क्रीम है उसको फैलाने में आसानी होती है। मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम लिया है लेके अब मैं पहले ऊपर डाल रही हूँ। ऊपर डाल के स्पैचुला से मैं इसको अच्छे से फैला रही हूँ। देन आफ्टर मैं नीचे मतलब साइड में भी क्रीम अच्छे से लगा के उसको भी अच्छे से कवर करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए पुराने ATM कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो उसके इक्विपमेंट आते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरीके से जो घर में इजीली अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हो गया है। अब मैंने लिया है पुराना वाला ATM कार्ड लेके इसको मैं एकदम अच्छे से लेवल कर रही हूँ। अब हमारा ऊपर का पार्ट बन के रेडी है, केक को करूँगी डेकोरेट। उसके लिए मैंने चेरी और ब्लैक चॉकलेट का डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने एक पैपिंग बैग में थोड़ा सा फ्रेश क्रीम लिया है और उसमें एक नोज़ल डाला है, डाल के मैं इसके सिंपल सर्कल बना रही हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से और बहुत इजी वे में डेकोरेट कर रही हूँ। आप इसको जिस तरीके से चाहिए, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी मैंने डार्क चॉकलेट लिया है लेके मैं इसको खींच रही हूँ। मैं थोड़ा सा मोटी साइड से खींच रही हूँ और थोड़ा सा पतली साइड से खींच के ये खिसे हुए चॉकलेट से मैं केक को डेकोरेट करूँगी। अब ये रेडी है। अब मैं इनको डाल रही हूँ केक के ऊपर। केक के ऊपर डाल के फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊँगी चेरीज। वैसे तो ये सारे केक मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, बट हम अपने हाथ से बना के अपनों को खिला तो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता ही है और एक अलग ही सेटिस्फैक्शन भी हमें मिलता है। अब मैंने चेरी लगाया है, चेरी लगा के इसको डेकोरेट कर रही हूँ। चेरी की जगह आप जेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनका आप इस्तेमाल करना। अब ये बनके रेडी है। अब साइड से भी मैं थोड़ा सा खिसा हुआ चॉकलेट लगा रही हूँ। लगा के बस हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पंजी टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनके रेडी है। अब मैंने इसको हल्का सा क्लीन किया है, क्लीन करके थोड़े से और क्रीम से इसे कर रही हूँ डेकोरेट। अब आप भी ये टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।